और होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बिजनेस का जो मंत्र होता है, आपने गंजे को कंघी बेची तो सिर्फ एक बार ही आप बेच पाएंगे। दोस्तों सेल्स का नियम क्या है कि गंजे को वह चीज बेचिए जिसकी उसको जरूरत है। दोस्तों डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस को करने के लिए बिजनेस के अपने तरीके होते हैं, तो हम किसानों के लिए बिजनेस के क्या तरीके हो सकते हैं दोस्तों जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सिखाए जाते हैं। आज की वीडियो यदि आपने पूरी देख ली तो मैं 5 ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिनको सुनकर आप बिजनेस को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आज ही वीडियो देखने के बाद कल से ही आपका जिसको हम डेली रूटीन बोलते हैं DR बोलते हैं वह सुधर जाएगा, MR आपका सुधर जाएगा, मंथली रूटीन आपका सुधर जाएगा। और जो सेल्स की जो बात होती है जो हम किसानों को समझाई नहीं जाती, सेल करने में हमें बड़ी समस्या होती है। और किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम है। तो आज की यदि वीडियो आपने देखी तो 2 बातें ऐसी बताऊंगा आपको जो सेल्स करने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। आप यदि सेल्स डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं अपना दूध और आपको समस्या आ रही है तो भी आपको एक नई दिशा मिलेगी, और यदि आप अभी दूध बेच रहे हैं और आपके साथ समस्या आ रही है तो भी आपका लेवल अप होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। तो सबसे पहली बात आती है, पहला जो पॉइंट है डेली रूटीन। डेली रूटीन जो आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CEO होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, मालिक होते हैं, बड़े ही अच्छे ढंग से काम करते हैं। और हम डेयरी वाले जो काम करते हैं, डेयरी वाले पूरा दिन विचलित होते रहते हैं और काम होता नहीं दिखता। दोस्तों इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे तरीका क्या है, नियम क्या है, मंत्र क्या है, वो है कि आप अपना डेली रूटीन बनाइए। डेली रूटीन ऐसा इंटेलिजेंट कोई आदमी नहीं हो सकता कि अपने दिमाग में बना सकता। दोस्तों बारीकी से सुनना इस बात को, यदि आप लागू करना चाहते हैं तो अगले दिन का काम आज की शाम को नोट डाउन करके रखिए, लिख कर रखिए, चाहे अपने मोबाइल में लिखते हैं या कॉपी पेन पर लिखते हैं। लिखना कैसे है, अगले दिन के 10 काम एक के बाद एक अपने कॉपी पर नोट कीजिए, और उनके बाद 10 काम आपने देख लिए कि कल मुझे फला फला काम करने हैं, उसके बाद आप उन 10 में से 3 काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो छांट लीजिए, और 3 उसके बाद जो कम महत्वपूर्ण है वो छांट लीजिए, और बाद के 3 काम को आप छोड़ दीजिए। दोस्तों इन 6 काम में से आप पहले 2 काम वो छांट लीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो आपको पता चल जाएगा कि कल का मुझे सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाला मैं क्या हूं। और दोस्तों उसके बाद और एडवांस लेवल में जाकर आप जो 3 काम आपने सेलेक्ट किए जो सबसे महत्वपूर्ण कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम थे, उनका टाइम भी आप नोट कर लें, उनको आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे को कहीं बाहर जाके ये काम करना है तो कितना समय लग सकता है, दूसरा काम यदि डेयरी फार्म के अंदर ही करना है तो कितना समय लग सकता है, और तीसरा काम। तो इस प्रकार वो 3 काम जो आपने कल करने थे उनका एक टाइम फ्रेम भी आपके पास आ जाएगा, और दोस्तों एक बड़ी इजी लाइफ आपकी हो जाएगी। अगले दिन आपको और कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं, बस उस दिन के काम कीजिए और शाम को फिर इस तरह ही चार्ट बनाइए। तो दोस्तों इस प्रकार आपका डेली रूटीन मैं ये कह सकता हूँ कि इतना अच्छा सुधर जाएगा जो मैं देखता हूँ, और मेरे साथ भी हुआ था कि हम सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते लेकिन काम कोई हो ही नहीं पाता। तो इस प्रकार आप देखते होंगे कितने बड़े बड़े मालिक एक रूटीन बनाकर चलते हैं, तो निश्चित ही हमें भी अपना एक रूटीन बनाकर चलना पड़ेगा जिससे हमारे काम करने में बड़ी आसानी होगी। तो यह था पहला नियम। इस नियम को जिस दिन आपने वीडियो देखी अगले दिन से ही आप अपनाना शुरू कर देंगे तो अगले दिन ही आपकी दिनचर्या में परिवर्तन आ जाएगा और काम भी ज्यादा होगा और आप आराम भी बहुत ज्यादा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पहला नियम था अपना डेली रूटीन चेक करने का। दोस्तों डेयरी फार्म का और मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का दूसरा जो नियम है एक्टिव रहना। एक्टिव नहीं, मैं कहता हूं कि आपको प्रो एक्टिव रहना चाहिए। डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर लिया और परेशान हो रहे हैं तो प्रो एक्टिव होना सीखिए। ये प्रो एक्टिव क्या होता है, प्रो एक्टिव होता है कि आपके आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में कौन कौन से काम आने वाले हैं और उनके बारे में आप अभी से सोचना शुरू कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूं आपको कि 1 महीने के बाद हमारी 3 भैंसे ड्राई होने वाली है। यदि आप पहले से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि फला भैंस उस तारीख को ड्राई होने वाली है, फला भैंस उस तारीख को दूध कम कर देगी, तो होगा क्या, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव से होगा क्या कि आप 1 महीने पहले ही और भैंसे ढूंढना शुरू कर देंगे और उन ड्राई भैंस को फार्म पर रखना है या बाहर निकाल देना है या बेच देना है तो वो सारी व्यवस्था आप कर लेंगे। और यदि आप प्रोएक्टिव नहीं हुए तो जिस दिन भैंस ड्राई होना शुरू होंगी, दूध कम करना शुरू होंगे और उसके विदिन 3 या 4 दिन आप भैंस ढूंढना शुरू करेंगे तो निश्चित ही आपको भैंस महंगी मिलेगी और आपको नुकसान होगा और आपकी परेशानी बढ़ेगी और आपकी उछल कूद ज्यादा होगी। इसी बीच में आपको एक जोक सुना देना चाहता हूँ, हमारे साथ हो क्या रहा है, बिल्कुल आराम से सुनिए। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम पूरा दिन भागते दौड़ते रहते हैं और एक कॉमेंट मेरे पास आया था कि मैंने डेयरी कर ली, मेरे पास तो
हरियाणवी भाषा में बताऊं, मूतन का भी टेम नहीं, यानी पेशाब करने का भी समय नहीं। दोस्तों सच्ची बात है, इस काम को करने के बाद पेशाब करने का भी समय नहीं बचता। वो किन लोगों के पास नहीं बचता जिनको मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज नहीं होती। जैसे मैं जोक सुना रहा था आपको कि एक बार जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास चले गए और कहने लगे कि अब ऐसा नहीं चलेगा, हमेशा आप ही राजा रहने वाले नहीं, अब तो लोकतंत्र है, किसी और को भी राजा बनाया जा सकता है। शेर उनकी बातों को समझ गया कि किसी बेवकूफ ने इन्हें इकट्ठा कर दिया। कहने लगे कि ठीक है, मैं राजा नहीं हूं, आप अपना राजा चुन लें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तो दोस्तों जंगल के जानवरों ने बंदर को राजा चुन लिया, बंदर बड़ा खुश हुआ। अब सारी जिम्मेवारी बंदर की थी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक गीदड़ी के बच्चे को कोई जंगली कुत्ते उठाकर ले गए, तो वह राजा के पास गई, यानी बंदर के पास गई और कहने लगी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ समस्या है, मेरे बच्चे को कोई उठा लेगा तो उसको ढूंढ के लाइए। बंदर ने ज्यों ही वो बात सुनी त्यों ही पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर कभी इधर कभी उधर कुलाटियां मारता रहा, कूदता रहा, फांदता रहा। गीदड़ी नीचे बैठी बैठी देख रही थी कि क्या कर रहा है। करीब करीब आधा पौना घंटे बाद उसने पूछा कि महाराज मेरे बच्चे का क्या हुआ। तो बंदर ने जवाब दिया, बच्चे का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी भाग दौड़ में कोई कमी है तो मुझे बताओ। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, यदि हम प्रोएक्टिव होकर नहीं सोचेंगे तो हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। भागदौड़ पूरी रहती लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों दूसरा नियम है, प्रोएक्टिव होकर रहिए अपने प्रोडक्शन के बारे में, अपने सेल परचेज के बारे में, और भी आपको कोई चीज अपनी एक्सटेंड करनी है तो उसके बारे में, आगे के बारे में सोचकर हमेशा चलते रहे, तो यह होता प्रोएक्टिव होना। बड़ा ही खास फार्मूला है, बिजनेस का नियम है। दोस्तों तीसरी बात आती है जो सेल्स की मैंने बात की थी, कि दो बातें सेल्स की बताऊंगा, बड़ी गौर से सुनिएगा। अपने कस्टमर को पहचान, इसको ट्रेनिंग की भाषा में बोलते हैं KYC, यानी अपने ग्राहक की पहचान करना। दोस्तों ये चीज आपको आ गई, आप चाहे दूध बेचते हैं या दूध से बने हुए पदार्थ बेचते हैं या अपना कोई पशु खरीदते हैं, यदि आपको ग्राहक पहचानना आ गया तो निश्चित ही आपकी सफलता पक्की। अब ग्राहक पहचानने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। दोस्तों यदि हम बेचने के बारे में बात करते हैं, दूध बेचने के बारे में ही मैं मोटा मोटी बात करता हूं, तो आपको ये समझ में आ गई कि मेरा असली ग्राहक कौन है। ग्राहक तीन चार तरह के होते हैं। एक ग्राहक होता है कि जिसके पास वो आपका उत्पाद खरीदने की क्षमता ही नहीं, आप उसके साथ माथापच्ची करेंगे, रिजल्ट मिलेगा आपको जीरो। दूसरा होता है कि उसकी क्षमता तो है लेकिन आपसे खरीदना नहीं चाहता, उसके ऊपर कुछ आप कर सकते हैं। तीसरा होता है कि उसके पास दोनों चीजें हैं, उसके पास क्षमता भी है और आपसे खरीदना भी चाहता है लेकिन बीच में चिक चिक करता है। वह चीज हम किसानों को बड़ी अखड़ती। दोस्तों इस दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया तो क्या, हमारे देश की मैं बात करूं कि जो प्योर है, ईमानदार है, जिसका उत्पाद प्योर है वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, और जो नकली है साला वो किसी के सामने अकड़ता नहीं, इसलिए नकली सबसे ज्यादा बिकता है। तो दोस्तों बात ये हुई कि हमारा उत्पाद प्योर है, ठीक है, हमें गर्व होना चाहिए और प्योर होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बिजनेस का जो मंत्र होता है, बिजनेस की जो बात होती है, कि अपने ग्राहक को पहचानो और पोलाइट बनो, कभी भी अपने ग्राहक से बहस मत करो। दोस्तों बिजनेस का नियम है, सेल्स का नियम है, सबसे बड़ा नियम है कि कभी भी अपने ग्राहक से बहस मत करो। दोस्तों आप बहस में जीत तो जाओगे लेकिन अपने ग्राहक को अपने हाथ से खो दोगे। दोस्तों ये इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए अपने ग्राहक को पहचानने के लिए। अब बात आती है भैंस खरीदते समय भी ग्राहक को कैसे पहचाने। दोस्तों जिसके घर से आप भैंस खरीद रहे हैं, यदि आपने उस ग्राहक की भी हिस्ट्री को पहचानना शुरू कर दिया तो निश्चित ही आप अच्छा पशु खरीद पाएंगे। तो ये चीजें हमेशा अपने दिमाग में रखें कि मैं अपने ग्राहक की पहचान करना कैसे सीखूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप कॉमेंट करेंगे तो आगे भी मैं मैनेजमेंट लेवल की और भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों उसके बाद जो सबसे बड़ा नियम है सेल्स का, सबसे बड़ा नियम कि गंजे को कंघी बेचना, ऐसा सिखाया जाता है बड़े बड़े सेल्समैन को। दोस्तों मैं आपको कहता हूं उससे भी एक कदम आगे, दोस्तों गंजे को कंघी कभी मत बेचिए। ये हमारे पूर्वज हमारे लिए बड़े ही खास सिद्धांत दे के गए, जो बिजनेस के भी सिद्धांत थे, आपने भी सुना होगा, हर क्षेत्र में हो सकता अलग अलग बोलते हो, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। आपने गंजे को कंघी बेची तो सिर्फ एक बार ही आप बेच पाएंगे। दोस्तों सेल्स का नियम क्या है कि गंजे को वह चीज बेचिए जिसकी उसको जरूरत है, और कंघी उसको बेचिए जिसकी कंघी की जिसको जरूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार हमारे से कोई ग्राहक जुड़ गया तो वह ग्राहक लाइफ टाइम तक हमारे साथ कैसे जुड़ेगा। गंजे को कंघी आप एक बार चालाकी करके बेच सकते हैं, अपने उत्पाद को चालाकी करके कभी भी नहीं बेचना। आप थोड़ा इंतजार करें लेकिन जिसको आपके उत्पाद की जरूरत है उसको ही बेचें।
निश्चित ही आपकी सेल बढ़ेगी और आपकी सिरदर्दी कम होगी। दोस्तों, डेयरी व्यवसाय का सबसे खास बिंदु, सबसे खास पॉइंट जो ये है कि आपका दूध यदि उचित कीमत पर नहीं बिकता है तो दही बेचिए। अब कई लोगों के दिमाग में खुजली होगी कि ये क्या बातें कर रहे हो। दोस्तों, दूध 35 रुपए किलो और दही 90 रुपए किलो। दोस्तों, आपका दूध नहीं बिकता है तो दही बेचिए, और दूध यदि फटता है तो पनीर बेचिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से नुकसान मत खाइए। पनीर और भी महंगा बिकेगा। यदि दूध फटता है तो हमारा नुकसान नहीं हुआ, यदि हमें बनाना और बेचना आता है तो हमारा प्रॉफिट और भी ज़्यादा हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार ये दो सेल्स की बातें थी कि कभी भी गंजे को कंघी मत बेचिए, और दूध फटता है तो उसका पनीर बनाकर बेचना सीखिए। निश्चित ही मैं आज के दिन आपको कह सकता हूँ कि इस देश में इससे अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपका लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।